आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है हिंदी का मॉडल पेपर। आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है, नए मॉडल पर है, कक्षा 9 का देख रहे हैं। प्रारंभ से 15 मिनट प्रतिशतियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, इस आपको पढ़ लेना है। खंड आ देख रहे हैं न, और खंड आ में 20 अंक का बहुविकल्पी दिया गया है। जैसा पहला है इंदुमती है, इसको आप टिक करेंगे। प्रथम कहानी, इसमें पहला विकल्प सही है। प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध, इनमें से कोई नहीं, लेकिन पहला विकल्प सही है। दूसरा है आचार महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है साहित्य सीकर, एक का विकल्प सही है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, छोड़ कर मत जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, इसमें दूसरा विकल्प सही है, बाल कृष्ण भट्ट। चौथा प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं, इसका दूसरा विकल्प सही है, बाल कृष्ण भट्ट। पांचवा प्रश्न है श्री चंद्रावली, इसमें गलत छपा है, चंद्रावती छपा है, चंद्रावली होना चाहिए, नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। छठवां प्रश्न है तुलसीदास की रचना नहीं है, पूछ रहा है राम लला नछु, पार्वती मंगल, कवितावली और रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका जो है तुलसीदास की रचना नहीं है, चौथा विकल्प इसका सही है। राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, इसमें है चतुर्भुज दास, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। आल्हखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो, इसका दूसरा विकल्प सही है। आदि नवा क्वेश्चन है आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, तो इसमें चौथा विकल्प सही है, पद्मावत। दसवां क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, इसका चौथा विकल्प सही है, नाभादास। वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह, इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद होना चाहिए, हर बार आ जाता है। बारहवां क्वेश्चन है देख रूप लोचन ललचाने हर्षे जन निधि पहचाने में निम्नलिखित रस है, कौन सा रस है? श्रृंगार रस का प्रयोग है। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, वह शब्द पुनः पुनः पढ़े अर्थ और ही और सो यमक अलंकार है। यहाँ यमक अलंकार है क्योंकि जगती और जगती दो बार आया है, अर्थ दोनों के भिन्न भिन्न है, एक जगती का अर्थ है संसार और एक जगती का अर्थ है जगाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है महापुरुष का समास विग्रह है, तो इसका होगा देखिए दिया गया है चार विकल्प। पहला विकल्प है महान धन पुरुष, दूसरा है महाधन पुरुष, तीसरा है श्रेष्ठ धन पुरुष, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, चौथा विकल्प सही है। समास में विग्रह धन करके नहीं लिखा जाता है, महान पुरुष होता है, महान और पुरुष होता है, इसमें धन लगाने सब गलत है, इनमें से कोई नहीं विकल्प है। उसका विद्यालय कहाँ है, इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा, देखिए पूछ रहा है वो उसका विद्यालय, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछने में क्या आता है, प्रश्नवाचक वाक्य आता है, चिन्ह आता है, पहला विकल्प सही है। माथा का तद्भव मतलब शुद्ध रूप क्या है? मस्तक है, खा विकल्प सही है। आकाश का विलोम पाताल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्बु 18वां क्वेश्चन है अम्बु जल तोय आदि कहलाते हैं, पर्यायवाची। नयनम में संधि है, इसमें कई संधि का नाम दिया गया है, अयाद संधि है। चतुर्थी विभक्त होती है किसमें? संप्रदान में चतुर्थी विभक्त होती है। ये बहुविकल्पी 20 नंबर के थे, आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा। ओयामार उत्तर पुस्तक आपको मिलेगा पत्रक, उसी में गोला करना है, आपको ध्यान देना है अच्छी तरह से, मां देख ले दिखाई दे रहा है। जैसे प्रश्न नंबर 1 ABCD चार विकल्प दिए गए हैं, और पहले में कौन सा सही है? पहले में सही है गा सही है, नहीं पहले में सही है पहला प्रथम कहानी। तो आपको का को अच्छी तरह से, ए को अच्छी तरह से रंगना होगा, इसको काला करना होगा। और अब खंड ब में देखते हैं, इसमें 50 नंबर का प्रश्न रहेगा, अब इसका ऑब्जेक्टिव कुल 70 का होगा। इसको पढ़ करके आपका रेखांकित देख रहे हैं, प्रश्न का तीन प्रश्न पूछे गए, तीनों का उत्तर इसी में है, आपको देना है। अगला क्वेश्चन है खा, चाहे का करिए चाहे इसका खा करना है, आपको पढ़ करके उत्तर देना है। अब 22 क्वेश्चन नंबर 22 में इसी को पढ़ करके फिर नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे इसको करिए और चाहे खा दिया गया है। पायो जी मैं तो राम रतन पायो, वस्तु अलो अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो, देख रहे ना। अब इसी में प्रश्न पूछा गया है मीरा ने किस
संपदा को प्राप्त कर लिया है। मीरा ने राम रतन संपदा को प्राप्त कर लिया है। बस केवल आपका उत्तर हो गया। कौन सी पूंजी खर्च करने पर भी कम नहीं होती और न इसे चोर ही चुरा सकता है? तो राम रतन पूंजी जो है खर्च करने पे कम नहीं होती है और चोर इसे चुरा नहीं सकता है। मीरा बाई के अनुसार राम रतन धन है। मीरा ने किस सागर को प्राप्त कर लिया है, पार कर लिया है? मीरा देखिए, अब सत की नाव खेवकिया सतगुरु भाव सागर तर पायो, मतलब भाव सागर को पार कर लिया है मीरा बाई ने। इसमें भाव सागर को वर्णन किया गया है। अगला है ये सब आपका संस्कृत वाला पाठ से जो क्या क्या कहते हैं अनिवार्य संस्कृत, संस्कृत परिचय का पहले कहा जाता था जो अंत में दिया उसमें से है। आपको इसी में से देखिए का अर्थ चाहे लिखिए चाहे अथवा दिया गया है। श्री कृष्ण जन्म भद्रपद मासस्य श्री कृष्ण से अष्टायाम तिथो मथुरायाम अभवत। श्री कृष्ण का जन्म भादो महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मथुरा में हुआ था। मध्यरात्रि यदायाम उत्पन्न जाता, मध्यरात के समय जब ये पैदा हुए तदा आकाश से घटा तोपा मेघा मूसलाधारा बरसते अकुर्बन। तब आकाश में काले रंग के छाए हुए बादल मूसलाधार घनघोर वर्षा किए। तदा रात्रि अंधकार पूर्ण आसीत, और रात्रि जो थी अंधकारमय हो गई, पूरा काली घटा हो गई, पूरा रात हो गया था। परम वसुदेवा पुत्र से रक्षार्थ, फिर भी वासुदेव जी पुत्र की रक्षा के लिए सद्धो जातम तम अदाय उन्हें लेकर के उत्तला रंगा यमुना, मतलब यमुना नदी बहुत ही अपार अपार बाढ़ के कारण उफना रही थी, उसको पार करके गोकुले नंद गृहम प्रापयत, गोकुल के यहाँ नंद गृह में जाकर के पहुंचा दिया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जनानाम हृदय अभलवा अभवत, और वहाँ श्री कृष्ण अपनी माता के को प्री लगने लगे। इसी से अपखा में है, आपको एक का उत्तर देना है, प्रश्न का पूरा हल करना है आपको। इस तरह से आप देख रहे हैं लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार कहानी है। सभी प्रश्न करना है, कोई नहीं छोड़ना है आपको। देख रहे हैं 25 क्वेश्चन 26 आमा है, कोई एक श्लोक लिखना है और अपने किसी दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। असाधुम केन जयत, असाधुम साधुना जयत, इस तरह से आपको देना है, अनुवाद करना है और संस्कृत में अनुवाद करना है। आपको अनुवाद भी सिखाया जाएगा। हमारे चैनल में सभी प्रकार के प्रश्न डाले गए हैं और छुट्टी के लिए प्रश्न को जरूर करना है आपको। इसका देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, ये आया हुआ है। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आप इसी तरह से लिखेंगे, देख रहे हैं, इसमें अपने विद्यालय का नाम डालेंगे, आदर्श इंटर कॉलेज सहारनपुर उत्तर प्रदेश लिखा गया है तो आप अपने विद्यालय का नाम डाल देंगे, बाकी सब जैसे लिखा गया वैसे लिखेंगे। इसमें अपना नाम जो लिखा गया है, नाम अपना नाम लिखेंगे, ये प्रेमचंद गुप्ता अवल लिखे, अपना तुम लिखोगे बाकी वही रहेगा। दिनांक भी चेंज कर देंगे, जिस दिन का रहेगा लिखेंगे, बाकी मैटर यही रहेगा सब कुछ। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, और आपको प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक वार्षिक और बोर्ड पेपर मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।